हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम पाइथन जीयूआई के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हम टिंकर मेथड को किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टिंकर। पाइथन ऑफर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग जीयूआई। आउट ऑफ ऑल द जीयूआई मेथड, टिंकर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। पाइथन हमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है जीयूआई डेवलप करने के लिए। उसमें से एक टिंकर मेथड है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड है। इट इज अ स्टैंडर्ड पाइथन इंटरफेस टू द टीके जीयूआई टूलकिट शिप्ड विद पाइथन। पाइथन विद टिंकर इज द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्रिएट द जीयूआई एप्लीकेशंस। क्रिएट अ जीयूआई यूजिंग टिंकर इज एन इजी टास्क। पाइथन विद टिंकर जो है ये बहुत ही एक फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे है हमारी जीयूआई एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, और हम इसे बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो टिंकर ऐप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं अपना मॉड्यूल को, जो जिसका नाम है टिंकर। फिर क्रिएट द मेन विंडो, फिर हम एक मेन विंडो क्रिएट करते हैं। एड एनी नंबर ऑफ विजिट्स टू द मेन विंडो, फिर हम अपने विजिट्स ऐड करते हैं जो भी हमें यूज करने हैं। अप्लाई द इवेंट ट्रिगर्ड ऑन द विजिट्स, फिर हम इवेंट्स जो भी ट्रिगर्ड हो रहे हैं हमारे विजिट्स पे उनको अप्लाई करते हैं। इंपोर्टिंग टिंकर इज सेम एज इम्पोर्टिंग एनी अदर मॉड्यूल इन द पाइथन कोड। तो जिस तरह से हम और अदर मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं पाइथन के कोड में, उसी तरह से हम टिंकर को भी इम्पोर्ट करते हैं। ओके, सबसे टिंकर को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं pip install tk। इसकी हेल्प से हम सबसे पहले अपने टिंकर को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट, पाइथन 2 में हम टिंकर को कैपिटल टी की हेल्प से लिखते थे, कैपिटल टी के आई एन टी ई आर, लेकिन पाइथन 3 में हम स्मॉल टी यूज करते हैं। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, देयर आर टू मेन मेथड्स। सबसे पहले टी के, टी के हमारा एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्रिएट करते हैं जीयूआई को। तो इसके अंदर हम स्क्रीन नेम, बेस नेम, क्लास नेम और यूज टी के, ये सब जो हमारे बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं हम वो यूज करते हैं। हम इसे किस तरह से लिखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है m इज इक्वल टू टिंकर डॉट टी के। इस तरह से हम इस मेथड को इनिशियलाइज करते हैं। जब भी हमें कोई भी विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम इसकी हेल्प से इस तरह से अपना विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सेकेंड मेथड है मेन लूप। देयर इज अ मेथड नोन बाय द नेम मेन लूप इज यूज व्हेन योर एप्लीकेशन इज रेडी टू रन। ये जो नेम मेन लूप नाम का जो हमारा मेथड है वो हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी एप्लीकेशन को रन करना होता है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन रन करने के लिए रेडी है तो हम मेन लूप मेथड यूज करते हैं। मेन लूप मेथड इज अ इनफाइनाइट लूप यूज टू रन द एप्लीकेशन, वेट फॉर एन इवेंट टू अकर एंड प्रोसेस द इवेंट एज लॉन्ग एज द विंडो इज नॉट क्लोज। मेन लूप का क्या काम होता है, इस मेथड का काम होता है ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है। जब तक हमारा एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक हमारा मेन लूप जो है वो चलता रहता है कंटिन्यूअसली। जैसे ही हम अपने विंडो को क्लोज करते हैं तो हमारा मेन लूप जो है वो बंद हो जाता है। इसे हम किस तरह से लिखते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम लिखते हैं यहाँ पे एम, जो भी आप नेम लेना चाहते हैं वो नेम ले सकते हैं एम डॉट, उसके बाद हम लिखते हैं मेन लूप एंड देन पैरेंथेसिस। इस तरह से हम मेन लूप मेथड को यूज करते हैं। अब हमारे इसके अंदर काफी सारे विजिट्स होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ विजिट्स विच यू कैन पुट इन योर टिंकर एप्लीकेशन, जैसे कि बटन, कैनवास, चेक बटन, एंट्री, फ्रेम, लेबल, लिस्ट बॉक्स, मेन्यू बटन, मेन्यू एंड मैसेज। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए फोटो लिया हुआ है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो आपको शो हो रहा है ये हमारा फ्रेम है। इसके अंदर जो ये इनपुट पाथ फाइल लिखा हुआ है ये हमारा लेबल है। आप कोई भी लेबल इस तरह से दे सकते हैं। ये जो है जहाँ पे आप डेटा एंटर करते हैं इसे एंट्री बोलते हैं। ये ब्राउजर नाम का जो आपको शो हो रहा है ये हमारा बटन है, और इसके अंदर आप कोई भी अपना इवेंट अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इस तरह से आप मेन्यू बटन बना सकते हैं, इसी तरह से आप मैसेज पास करा सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज पास कराना चाहते हैं तो आप मैसेज की हेल्प से करवा सकते हैं। तो ये टिंकर के बारे में था। हम इसका कुछ प्रैक्टिकल अभी आगे करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम टिंकर का प्रैक्टिकल करते हैं। एक जंबल वर्ड के ऊपर छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर pip install tk करना है। आप इस तरह से टिंकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है टिंकर को। देन आपको लिखना है फ्रॉम टिंकर
इम्पोर्ट ऑल, इस तरह से आप ऑल इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब हम हमारा एक विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं रूट, मैंने उसका नेम रूट ले लिया, आप जो चाहें लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर मैंने लिखा यहाँ पे टिंकर डॉट टी के, उसके बाद हम उसकी एक ज्योमेट्री देते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा रूट डॉट ज्योमेट्री, एंड देन आप जो यहाँ पे पास कराना चाहें आप पास करा सकते हैं। मैंने कुछ 350 इंटू 400 प्लस 400 इंटू या फिर प्लस 300, तो मैंने कुछ इस टाइप की अपनी ज्योमेट्री ले ली। एंड देन अब हम इसका टाइटल देंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं अपने विंडो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट टाइटल। टाइटल में किस तरह से लिखा जाता है, आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो आपका टाइटल में शो होगा। मैंने यहाँ जंबल ले लिया इसका नेम। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉन्फिगर करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे रूट डॉट कॉन्फिगर, उसके बाद यहाँ पे आपको अंदर अपना बैकग्राउंड कलर देना होता है, आप जो चाहें वो कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ताकि वो आपको शो हो कुछ कि आउटपुट में। यहाँ पे कोट्स के अंदर आपको अपना कलर कोड लिखना होता है, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रे कलर लिया है तो मैंने उसका यहाँ पे कोड डाल दिया। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेथड है मेन लूप, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं मेन लूप। ओके, तो अब हम इसको आगे रन करके देखेंगे। एंड रन ऑल किया तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए हमारी एक विंडो जनरेट हो गई, यहाँ पे उसका जो टाइटल हमने दिया है जंबल, वो जंबल यहाँ पे नेम भी आ गया है और हमने जो बैकग्राउंड कलर दिया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए आगे हम इसमें लेबल्स और बटन्स बना के देखते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेबल बनाते हैं, मैंने यहाँ पे LB1 उसका नेम ले लिया, एंड देन मैंने यहाँ पे लेबल फंक्शन यूज़ करा है, मैंने लिखा है यहाँ पे लेबल। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास कराते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है रूट, हमने यहाँ पे लिखा रूट। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके कुछ टेक्स्ट दे दिया, आप टेक्स्ट जो मर्जी आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया योर टेक्स्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का कोड दे दिया यहाँ पे। उसके बाद हम इसका फॉन्ट का कलर दे देते हैं, तो FG मैंने इसका कलर दे दिया यहाँ पे वाइट दे देते हैं। ओके, आप चाहें तो इसमें जो मर्जी चाहें दे सकते हैं कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे आप चाहें तो फॉन्ट का कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं, यहाँ पे उसका साइज़ दे सकते हैं जितना साइज़ आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसका साइज़ दे दिया 18। ओके, तो ये मैंने इसका साइज़ दे दिया। अब हमें यहाँ नीचे एक और लाइन लिखनी होती है, यहाँ पे हम जो भी हमने उसका नेम लिया है LB1 वो लिखना होता है डॉट, उसके बाद हमें पैक लिखना होता है, और उसके बाद हम यहाँ पे आप उसका जो भी साइज़ देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैडी इज इक्वल टू 40 दे दिया, और मैंने यहाँ पे आई पैडी इक्वल टू दे दिया 10, और मैंने यहाँ पे आई पैड एक्स दे दिया 10। चलिए इसे रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। ओके, हमारा आउटपुट आ गया है, देखते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे लेबल आ गया है, यहाँ पे लिखा आ रहा है योर टैक्स। ओके, तो अब हमें इसमें आगे बटन्स बनाने हैं, तो बटन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे इसका नेम ले लिया BTN और चेक, मैंने उसका ये नेम ले लिया, एंड मैंने यहाँ लिखा बटन। हम जैसे ऊपर लेबल फंक्शन मैथड यूज़ किया था, यहाँ पे बटन के लिए हम बटन यूज़ करते हैं, और फिर हम सबसे पहले लिखते हैं रूट। रूट के बाद हम यहाँ पे टैक्स देते हैं, जो भी आप टैक्स यहाँ पे दोगे वो आपके बटन के ऊपर शो होगा। मैंने यहाँ लिख दिया चेक। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे इसमें भी फॉन्ट दे सकते हैं और फॉन्ट साइज दे सकते हैं, ऊपर वाले ही सेम फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। मैंने यही कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ओके, एंड मैंने यहाँ पे इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर आपको कोट्स के अंदर उसका जो भी कोड होता है वो लिखना होता है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ करा, उसके अंदर मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। ओके,
कॉमा, एंड देन आप अपने फॉन्ट का भी कलर दे सकते हैं एफ जी की हेल्प से। तो यहाँ पे फॉन्ट का भी कलर दे देते हैं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो, वाइट कलर, वाइट या फिर ब्लैक जो आप चाहें दे सकते हैं। ओके, बटन बनाने के बाद आपको यहाँ पे इसके लिए भी नीचे पैक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपके बटन का नेम क्या है, बी टी एन चेक, उसके बाद आपको लिखना होता है डॉट पैक, और उसके बाद आप यहाँ पे जो चाहें वो पास करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैड इक्वल टू 40 दे दिया। चलिए इसे रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट शो होता है। पहले इसे कैंसिल कर देते हैं। फिर से मैंने अपने कर्नल को रीस्टार्ट एंड रन ऑल किया। ये देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गया। ये देखिए एक यहाँ पे बटन बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हम लोग एक और बटन बनाते हैं, क्योंकि हम जंबल वर्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे दो बटन किस चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, एक चेक और एक रीसेट के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल वी मैंने वही ले लिया, इसका नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसका नेम ले लिया रीसेट बटन, यहाँ पे लिख देते हैं चेक की जगह इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं रीसेट। एंड ओके, यहाँ पे इसमें मैंने कुछ भी यहाँ पे पास नहीं कराया। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चाहो ले सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ और कलर ले लेती हूँ ताकि अलग लगे थोड़ा। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओ, यहाँ पे भी चेंज करना होता है, यहाँ पे बी टी एन चेक लिख रहा है, यहाँ पे बी टी एन रीसेट करना है आपको। चलिए अब करते हैं रीस्टार्ट रन ऑल। ये देखिए हमारा आउटपुट शो रहा है। यहाँ पे हमने लेबल बना लिया, हमने यहाँ पे दो बटन बना लिए, एक चेक और एक रीसेट का। अब हम यहाँ पे जंबल वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो जंबल वर्ड्स के लिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स ले लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे ऊपर एक डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं हम। ओके, मैंने यहाँ पे एक और सेल क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने आंसर्स नाम का एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। इसके अंदर आप पास कराएंगे, जैसे मैंने ले लिया पाइथन, जो जो वर्ड आपको यूज़ करना है जंबल वर्ड के लिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ले लिया जावा और स्विफ्ट, कोट्स में लिखना है आपको हर चीज़, स्विफ्ट, उसके बाद इंडिया ले लिया, ओके, अमेरिका ले लेते हैं। चलिए इतने काफ़ी हैं अभी एग्जांपल के लिए, हमने कुछ ले लिए हैं ये वर्ड्स। अब हम इनके जंबल वर्ड्स ले लेते हैं, वो हम दूसरी लिस्ट में डालेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया वर्ड्स इक्वल टू, हमने एक लिस्ट क्रिएट की, इसके अंदर जो जंबल वर्ड स्क्रीन पे शो होने चाहिए वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एन टी टी ओ वाई एच, जैसे पाइथन का ही जंबल वर्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ लिखते हैं ए वी जे ए, जावा के लिए कर दिया हमने लिया। स्विफ्ट के लिए एक जंबल वर्ड क्रिएट कर देते हैं, डब्लू एफ एस आई टी, ओके, इंडिया के लिए ले लेते हैं अब ए आई डी आई एन समथिंग लाइक। आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने जो जो ऊपर वर्ड्स लिए थे एक बार चेक कर लेते हैं सबके लिए ना, पाइथन जावा स्विफ्ट एंड इंडिया अमेरिका, हमने यहाँ पे उन सबके जंबल वर्ड्स लिख दिए, हमने दो लिस्ट क्रिएट कर दी। अब हम इनके लिए फंक्शंस बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमारा जो जंबल वर्ड का ये कॉन्सेप्ट है ये वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं फंक्शंस। फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, मैंने यहाँ ले लिया नम इज इक्वल टू, हम यहाँ पर रैंडम यूज़ करेंगे। तो रैंडम यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले ऊपर इम्पोर्ट कर लीजिए रैंडम को। यहाँ हमने लिखा इम्पोर्ट रैंडम, और भी जो हम यूज़ करेंगे वो सब हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स भी यूज़ करेंगे तो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टिंक्टर इम्पोर्ट
मैसेज बॉक्स। ओके चलिए अब फंक्शंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, वेरिएबल हमने नम लिया एक, इसके अब हमें रैंडम यूज़ करना है तो हमने लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज। उसके बाद हमने यहाँ पे रेंज पास करा देते हैं, जितने हमारे वर्ड की लेंथ होगी उतना वो लेगा रेंज में एंड देन वन। ओके अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाना क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम चेक के लिए फंक्शन बनाते हैं, नहीं चलिए रीसेट के लिए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे रेस्ट नेम ले लिया। इसके बाद अब हम फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे कुछ। तो हमने लिया सबसे पहले ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, ग्लोबल वर्ड्स कॉमा आंसर्स कॉमा नम, जो अभी हमने ऊपर लिया है वो, इन्हें हमने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। अब हम अपना लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। हमने लिया नम इज़ इक्वल टू रैंड रेंज, हमें यही लिखना है। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ओके हम यहाँ पे रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ताकि रैंडमली वो वर्क करें। ये मैंने इसे रन कर दिया इसलिए वो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ओके तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एल बी वन, जो हमारा लेबल हमने क्रिएट किया है वहाँ पे हमें बार बार शो होने चाहिए अलग अलग जंबल वर्ड्स, तभी हम उनको वर्क कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फिग करेंगे लेबल को, और हमने वहाँ पे क्या टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट इक्वल टू हमने वहाँ पे वर्ड्स पास करा दिया। ओके वर्ड्स में हमने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है, नम यूज़ किया, तो हमने यहाँ पे नम लिख दिया। एंड देन ई वन डॉट डिलीट, उसके बाद जीरो कॉमा एंड। अच्छा ये जो ईवन है ये हमारी फील्ड है जो हम अभी नीचे क्रिएट करेंगे, एंट्री फील्ड, ठीक है। ये अभी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, पहले हम फंक्शन बना लेते हैं सारे। अच्छा अब हम बनाएंगे चेक आंसर के लिए फंक्शन। तो चलिए चेक आंसर के लिए फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा डी ई एफ, इसका नेम ले लेते हैं चेक आंसर। ओके अब हमने यहाँ पे इसमें भी हमें ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना है, तो मैं यहाँ ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ इसे और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। ओके अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेर नेम ले लिया मैंने उसका, वेर इज इक्वल टू इवन डॉट गेट, जो भी हम एंटर करेंगे उसे हमें गेट करना है तभी तो हम चेक कर पाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे गेट फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एफ, अब हम कंडीशन को चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है भी या नहीं है, तो यहाँ पे हम उसे चेक करेंगे। तो इफ़ दिस इज़ करेक्ट, अगर वो आंसर सही है तो हमारा क्या मैसेज शो होना चाहिए मैसेज बॉक्स में, हमारा जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा मैसेज शो होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा शो इन्फो, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी पास करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया सक्सेस, सक्सेस यूज़ करना है इसका कैपिटल एस। ओके सक्सेस यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज करेक्ट, अगर हमारा आंसर ठीक होगा तो हमें क्या शो होगा, यस दिस इज करेक्ट। उसके बाद हमने रीसेट फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है ताकि हमें नेक्स्ट जो भी जंबल वर्ड है वो शो हो। अच्छा एल्स में भी कंडीशन लिख देते हैं, तो एल्स अगर गलत है तो हमारा क्या मैसेज शो होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। ओके एंड हमने यहाँ पे पास कराया एरर, आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो आपका वहाँ पे शो होगा। मैंने लिख दिया दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। हमारा ये जो है अब क्रिएट हो गया है, यहाँ पे हमें लिखना है इवन डॉट डिलीट, उसके बाद यहाँ लिखना है जीरो कॉमा एंड, राइट। ये हमारे दोनों फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने रीसेट के लिए फंक्शन बनाया है एंड देन हमने अपने आंसर को चेक करने के लिए बनाया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हम लेबल बना लेते हैं बिकॉज बिना लेबल के हमें शो नहीं होगा स्क्रीन पे कुछ। तो हमने यहाँ पे एक और हमने आंसर वन नाम से वेरिएबल लिया और इसमें हमने स्ट्रिंग वेर पास कराया। ओके अब हम यहाँ पे इवन नाम से, इवन क्योंकि हमने ऊपर यूज़ किया तो इवन नाम से एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई
एंट्री मेथड यूज़ किया है। इसके बाद हम इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट कॉमा, और फॉन्ट ले लेते हैं कुछ भी, फॉन्ट आप चाहें जो चाहें वो लीजिए, मैं ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ फॉन्ट, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा फॉन्ट हो गया, ये हमारा रूट हो गया, ओके। एंड इसके अंदर हम देते हैं टेक्स्ट वेरिएबल, क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट डालना है तो यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा वेरिएबल, ओके, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू जो हमने ऊपर यूज़ किया है ना आंसर वन, जो अभी हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग वेयर पास करा रहे हैं, तो हमने वो यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल में उसको हमने यहाँ पे पास कराया है, ओके। तो चलिए रन करके देखते हैं, एक मिनट, अभी रन करने से पहले हमें यहाँ पे भी पैक यूज़ करना है, तो सबसे पहले ईवन डॉट हम यहाँ पे लिखेंगे पैक, उसके बाद हम यहाँ पे आईपैड ही लिखेंगे, जो भी आप देना चाहें, मैंने 5 दे दिया। एंड फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आईपैड एक्स, और हमने इसको भी 5 दे दिया। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट शो हो रहा है। ओके, वो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर है हमारा टेक्स्ट वेरिएबल में। ओके, यहाँ पे एरर क्या है, हमने यहाँ पे आंस वन यूज किया है स्ट्रिंग वेर, ओके। आंस वन इज़ नॉट डिफाइंड, हमने डिफाइन किया है बट वो फिर भी एरर दे रहा है कि आंस वन इज़ नॉट डिफाइंड, ये रहा हमने यहाँ पे इसे डिफाइन किया है। दोबारा से एक बार रीस्टार्ट एंड रन ऑल करते हैं अपने कर्नल को, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आई थिंक, ओके, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ANS। अब हमारा रन हो जाएगा, रीस्टार्ट एंड रन ऑल, ओके। ये देखिए आउटपुट शो हो रहा है यहाँ पे, अब हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे शो हो रही है, एंट्री फील्ड, आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो आपका आउटपुट होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने उनको पास कराते हैं जो हमने मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें कमिट करना होता है। तो लेबल में सबसे पहले हम पास करा देते हैं, ओके, लेबल में नहीं, हम बटन्स में पास कराएंगे क्योंकि हमने बटन्स के लिए फंक्शन बनाया है, ओके। तो ये रहा हमारा बटन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमिट, यहाँ हमने लिखा कमांड इक्वल टू, और हमने यहाँ पे पास करा दिया हमारा जो भी ऊपर नेम है, एक बार देख लेते हैं क्या नेम हमने यूज़ किया है, ओके, चेक आंस यूज़ किया है, तो हम वही लेंगे यहाँ पे, राइट, लगा देते हैं कॉमा। और रीसेट के लिए हमने क्या यूज़ करा है, रीसेट के लिए हमने रीसेट फंक्शन यूज़ किया था, एक बार उसका भी नेम चेक कर लेते हैं, वही सेम नेम हमें यूज़ करना है, RES, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड इक्वल टू RES, ओके। अब हमें, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो योर टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे हमारे जंबल वर्ड शो हों, जो हमने ऊपर वर्ड्स में लिया है वो शो हों, उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन और बना लेते हैं, डिफ़ॉल्ट नाम का हमने एक फंक्शन लिया है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट नेम ले लिया, ओके, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फंक्शन लिया। यहाँ पे भी हमें ग्लोबल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यही कॉपी कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं जो हमारा लेबल वन है वहाँ पे शो हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेबल वन डॉट कॉन्फिग, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टैक्स इक्वल टू जो हमारे वर्ड्स हमने लिए, वर्ड्स जो ऊपर लिस्ट बनाई है उसके अंदर हमने पास कराया है ना अपने जंबल वर्ड्स, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है, ओके। अब हम इसको डिफ़ॉल्ट फंक्शन को नीचे कॉल करा देते हैं लास्ट में, मैंने लिखा यहाँ डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद मैंने इसे पास करा दिया। चलिए रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने अपने कर्नल को रीस्टार्ट एंड रन ऑल किया, ये देखिए आउटपुट यहाँ आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, चेक करके देखें क्या हमने सही, ये सही वर्क कर रहा है या नहीं।
तो हम इसका क्या बना सकते हैं, हम इसका जावा बना सकते हैं। जावा मैंने यहाँ चेक पे क्लिक किया, ओके दिस इज़ करेक्ट। ये बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे दूसरा जंबल वर्ड आ गया। अब चलिए कुछ गलत डाल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने डाला पाइथन, स्पेलिंग गलत कर देते हैं। ओके अब चेक करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है दिस इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि जो हमने अभी ऊपर फंक्शंस बनाए हैं वो सब सक्सेसफुली जो हैं वो रन कर रहे हैं। रीसेट करके देख लेते हैं। देखिए रीसेट करते हैं, यहाँ पे चेंज हो गया, आपने चेक किया हो, एक बार और रीसेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेक हो गया, दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये बन रहा है अमेरिका, यहाँ पे मैंने चेक पे क्लिक किया, यस दिस इज़ करेक्ट। तो ये हमारा जंबल वर्ड का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुली बन गया है। इस तरह से आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं टिंकर की हेल्प से। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी GUI को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल था इसका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर ऑल द न्यू स्टफ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड मेक श्योर यू विल नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम VM Coder Technology।